आज एक आज आप शास्त्री घाट में किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रही हैं? हम लोग अपनी मांगों का प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम लोग का मानदेय बढ़ाए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी। ये किस तरह की मांगे हैं और क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या है कि हम लोग धरना देते हैं, हम लोग मांग पत्र देते हैं, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जाता है। आप लोग बार बार धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आगे क्या अभी तक मांग नहीं पूरा हुआ है? हम लोग की मानदेय बढ़ाए नहीं, तो फिर इसके बाद हम लोग जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो भाजपा से हैं, मैं उनको वोट नहीं दूँगी, या हमारा पूरा जो संगठन उनको वोट नहीं दूँगा। सारी आंगनबाड़ी उनके परिवार के कोई वोट नहीं देगा, जितने लोग उनसे प्रताड़ित हो सारी आंगनबाड़ी। अगर आपकी मांगे पूरी कर दी जाती हैं तब क्या आपका निर्णय होगा? तो हम लोग साथ में रहेंगे। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का प्रांतीय संरक्षक जनपद वाराणसी का अध्यक्ष। किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बाबूलाल जी? उत्तर प्रदेश सरकार लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने के नाम पर घोषणा कर रही, दे नहीं रही, धोखा कर रही है। इसलिए चुनाव नजदीक आ गया है तो सरकार से हम मांग करते हैं कि जो अपने चुनावी संकल्प पत्र घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि सरकार में आने के 120 दिन के अंदर हम मानदेय बढ़ा देंगे, मानदेय नहीं बढ़ाए। उसी वादा को याद दिलाने के लिए पुनः वाराणसी के शास्त्री घाट पर प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में बनारस के हर गांव से आंगनवाड़ी बहनें यहां आई हैं कि मोदी जी योगी जी मिलकर के आंगनवाड़ियों का मानदेय जीने लायक बढ़ा दें ताकि इनके परिवार का भी भरण पोषण हो सके। बाबूलाल जी, मांग पत्र की आपको 4 साल बाद याद क्यों आई जब चुनाव आ रहा है? हम लगातार हर साल मांग करते हैं सरकार से, सरकार कहती है कर देंगे, घोषणा भी करती है, लेकिन जो कमिटमेंट योगी जी कर रहे हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो साल में कई बार आप धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार कैसे बात मानेगी? हम लखनऊ में भी धरना किए हैं, दिल्ली में भी धरना किए हैं, बनारस में भी धरना किए हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं और किन मुद्दों पे आज बात करें? सरकार से हम मुख्य मांग मेरी ये है, उत्तर प्रदेश में 376,984 की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें काम करती हैं, इनको राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। अगर राजकीय कर्मचारी घोषित करने में कोई वैधानिक अड़चन आती है तो उस समय कम से कम जो सरकार का एजेंडा है न्यूनतम मजदूरी देने के लिए, न्यूनतम मजदूरी कार्यकर्त्री को 18,000 का महीना और सहायिका को 9,000 रुपया महीना देते हुए सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सेवाओं का लाभ दे, ये मेरा मुख्य मांग। कई समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री से भी आपने बात किया था क्या? जी, मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी। क्या आश्वासन मिला वहाँ? कहते हैं बढ़ा देंगे, आप लोग मत घबराइए, हमारे संज्ञान में है। अच्छा, ये आश्वासन मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो आप आश्वासन नहीं लेते जाएंगे और इधर आपके जितने कर्मचारी हैं तो आते जाएंगे? 10 नवंबर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हम लोग उतरेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश की 4 लाख आंगनवाड़ी परिवार और 4 लाख आंगनबाड़ी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के कोने कोने में हम लोग बैठेंगे। वर्ष भी आपने कहा था कि सड़क पर उतरेंगे, तो क्या हुआ? साल भर बीत गया लेकिन सड़क पे तो नहीं दिखे। संवैधानिक जो तरीका है, सरकार कह रही थी तो भरोसा भी करना है, चूंकि उनके ऊपर कोई है नहीं कहीं हम जाएंगे, एक मुख्यमंत्री है जिसको हम लोगों ने चुना है। क्या इसका असर 2022 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? अगर मेरी मांग को उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा के लोग नहीं मान रहे हैं तो पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो BLO का काम करती हैं पूरे प्रदेश में और उनके परिवार के लोग मजबूर होकर के भाजपा को गद्दे से उतारने का काम भी करेंगे।